हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल आशा ब्लॉग में। आज मैं आप सभी को महाशिवरात्रि स्पेशल साबूदाने के खीर की रेसिपी लेकर आ गई हूँ दोस्तों। और बहुत ही आसान रेसिपी है ये, और ये मेरा भिंगोए हुए हम बनाएंगे। इसको घंटे भिंगोने की ज़रूरत नहीं है साबूदाना को। और इस साबूदाना के खीर बनाने के लिए अगर छोटे दाना का इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है दोस्तों। उसके लिए हम एक कटोरी सला साबूदाना ले लेंगे। अब गैस पे हम एक कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। और घी गर्म होने के बाद हम साबूदाना को डालकर थोड़ा सा 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम जिस कटोरी से साबूदाना लिए थे उस कटोरी से 4 कटोरी हम दूध डाल देंगे। और दूध हम उबला हुआ डालेंगे ताकि जल्दी से हमारा खीर बनकर रेडी हो जाए। और दूध डालने के बाद हम इसे स्वाद के अनुसार चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। चीनी को मिलाकर हम अच्छी तरह इसे जो किनारे किनारे मलाई लगते जा रहा है वो भी हम इसी में मिलाते हुए इसे समेट लेंगे ताकि इसका स्वाद बहुत अच्छा लगे। इसे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी अब गाढ़ा हो जाएगा। और इसे चलाते हुए हमें पकाना है वरना ये गांठे गुठली पड़ जाती है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और भुनी हुई ड्राई फ्रूट डालकर अच्छी तरह इसे मिला लेंगे। और अब हम गैस बंद कर देंगे। हमारा ये साबूदाने की खीर बनकर रेडी हो गई दोस्तों। और इसे आप ठंडी खाएँ या गर्म खाएँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आप सबको थोड़ी भी मेरी वीडियो ये हेल्पफुल लगे साबूदाने की खीर बनाने की, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।